हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं संगीता, संगीता की रेसिपी में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। तो आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही टेस्टी पालक की कचरी, जो चाय के साथ आप किसी भी टाइम बना के खाएंगे। तो चलिए बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया है 250 ग्राम पालक। आप देख सकते हैं हमने थोड़ा सा मोटा मोटा ही डंठल यहाँ पे रखा है और इसे हमें थोड़े बड़े में ही काटना है, बिल्कुल बारीक नहीं काटना है। पालक को अच्छे से हमने दो पानी से धुल लिया था और धुलने के बाद हमने काट लिया है। अब यहाँ पे लेना है एक मुट्ठी धनिया। धनिया को भी बड़े बड़े में ही काटना है। डंठल सहित हमने यहाँ पे काट दिया है। तो सभी को काटने के बाद अब यहाँ पे लेना है हरी मिर्ची। तीखे आप अपने कम या ज़्यादा हिसाब से कर सकते हैं। तो 4 से 5 यहाँ पे हमने हरी मिर्ची को भी काट लिया है। अब लेना है यहाँ पे एक टुकड़ा अदरक। अदरक से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, इसीलिए डाल रहे हैं। और यहाँ पे आप लहसुन भी थोड़ा सा ले सकते हैं। तो अच्छे से इसे हमें छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। ये देखिए यहाँ पे हमने अदरक को भी काट लिया है। अब यहाँ पे लेना है एक पीस प्याज। प्याज की क्वांटिटी आप कम ही रखें, नहीं तो ज़्यादा डालने से क्या होगा कि प्याज का स्वाद आने लगेगा, फिर पालक का स्वाद कम हो जाएगा। इस तरह से हमने प्याज को भी अच्छे से मोटे मोटे में ही काटा है। तो प्याज को हमने यहाँ पे काट के रख लिया है। चलिए अब रख लेते हैं एक बाउल में। सभी चीज़ों को बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। और ट्रांसफ़र करने के बाद यहाँ पे हमने सभी को रख लिया है, आप देख सकते हैं। अब इसमें हमें डाल देना है बेसन। तो बेसन हमें डालना है 2 चम्मच। 2 चम्मच हमने बेसन को डाल दिया है। अब यहाँ पे डाल देना है 1 चम्मच चावल का आटा। नमक डालेंगे अपने स्वाद के अनुसार। थोड़ा सा डाल देते हैं अजवाइन और मंगरेला, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। 1/2 चम्मच डाल देते हैं जीरा। थोड़ा सा यहाँ पे सब्जी मसाला डालेंगे जो हम अपने किचन में बना के रखते हैं। थोड़ा सा यहीं पे डाल देते हैं जीरा और थोड़ा सा मैगी मसाला। सभी को डालने के बाद 1 चम्मच सरसों का तेल डाल देंगे, इससे बहुत ही अच्छा टेक्स्चर आता है। अब यहाँ पर डाल देना है थोड़ा सा पानी। तो पानी हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि पालक में भी अपना मॉइस्चर होता है। थोड़ा सा 2 से 3 चम्मच पानी डाल के हाथों से इसे अच्छे से हमें मैश कर लेना है। तो अच्छे से हमने थोड़ा सा पानी डाल के हाथों से बढ़िया से मसल लिया है। पालक होने के कारण बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। तो चलिए अब चलते हैं फ्राई करने। तो यहाँ पे अच्छे से हाथों से मैश हो गया है। मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ, टेक्सचर आप देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अब गैस की तरफ। तो यहाँ पे हमने तेल पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया है और थोड़े बड़े बड़े साइज़ का यहाँ पे पोषण को उठाएंगे और टिक्की का शेप देके यहाँ पे हम पेन में डाल देते हैं। तो आप बहुत बनाए होंगे पालक का नाश्ता, कभी एक बार मेरे तरीके से बनाए, फैमिली में सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो सभी को हमने यहाँ पे डाल दिया है। थोड़े बड़े बड़े साइज का बनाने से क्या होता है, चावल आटा होने के कारण ये बहुत क्रिस्पी बनता है। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप यहाँ पे 2 चम्मच सूजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। गैस का फ्लेम मीडियम रखें, मीडियम फ्लेम पे इसे पलट दें। तो देख सकते हैं नीचे की साइड अच्छे से सीख गई है और ये थोड़े से गोल्डन कलर का आ रहा है। तो थोड़ा इसे हमें और सेक लेना है, दोनों साइड क्रिस्पी तक, गोल्डन ब्राउन तक कर लेना है। तो आप देख सकते हैं अच्छे से जो कलर आना चाहिए भजिया या पकौड़ी में आ गई है। तो अब हमें निकाल लेना होगा इसे एक छन्नी में। इस टाइप का नाश्ता आप कभी भी किसी भी टाइम बना के खा सकते हैं, चाय के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है। तो सभी को हमने छन्नी में निकाल लिया है। ये देखिए छन्नी में निकालने के बाद इससे क्या होता है, एक्स्ट्रा ऑयल जो है निकल जाता है और जो बाकी का बचा हुआ है उसे भी हम अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने लगा दिया है प्लेट, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए बहुत ही क्रिस्पी बनके तैयार हुआ था। तो रेसिपी अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ।